हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में। और आपको पता होगा कि पीएसएल के जो रिमेनिंग मैचेज हैं, रिमेनिंग मैचेज में आप देखोगे कि अभी 15 मैचेज हो चुके हैं, यानी फर्स्ट हाफ जो है वो समाप्त हो चुका है। और सेकेंड हाफ के जितने भी मैचेज होने वाले हैं वो सारे के सारे मैचेज आप देखोगे कि आपको लाहौर स्टेडियम पर जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल 19 मैचेज लाहौर स्टेडियम पर जो है खेले जाने वाले हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर सब कुछ जो है बता दिया जाए, और उसी के हिसाब से जो है आप यहाँ पर सब कुछ जो है सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से जो है पिच रिपोर्ट हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह से बिहेव करेगा। तो उसको जो हम लोग जो रिसेंट यहाँ पे मैचेज हुए हैं, डाटा हुए हैं, उनके हिसाब से जो है काउंट करेंगे। लेकिन अगर रिसेंट मैचेज में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अभी पिछले सीजन का भी ले लो और कुछ इंटरनेशनल मैचेज ले लो तो भी जो है यहाँ पे नहीं हुआ है। और ये मैचेज जो है आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे जो है अब मैचेज यहाँ पे हो रहा है, अब जो है होना शुरू होगा। और पिछले जो है आप देखोगे तो 1-2 सालों से, यानी कि 2019 का जो सीजन था, 20 का जो सीजन था, उसमें जो है कुछ मैचेज यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके अलावा कोई भी मैचेज जो है अभी यहाँ पे देखने को मिला नहीं है, क्योंकि बीच में COVID-19 आ गया। पिछले साल का एडिशन जो है यहाँ पे होना था, लेकिन पिछले साल का जो एडिशन था वो यहाँ पे हुआ नहीं। और उसका रीज़न था कि पिछले साल जो है जैसे आधा मैचेज अभी हुए थे, 14 मैचेज हुए थे, उसके बाद से कोविड आ गया और उसके बाद सारे मैचेज जो है आपको UAE में जो है वो शिफ्ट करना पड़ा। तब यहाँ पे बात करें किस तरह से यहाँ पे मैचेज हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल फ्री से सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल्स में, जहाँ से जो है आप जो है वो जुड़ सकते हो। और यहाँ पे PSL का जो सीरीज रह गया है उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट जो है आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। एक बढ़िया तरीके से जो है आपको सारे काम जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर गद्दाफी स्टेडियम देखोगे आप लाहौर का, तो ये बहुत ही एक पुराना स्टेडियम है। कैपेसिटी इसकी जो है वो 27,000 के आसपास है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्राउड जो है बहुत ही कम जो है, ना के बराबर जो है अवेलेबल रहेगा ड्यू टू COVID-19 के कारण। अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसको लाहौर स्टेडियम के नाम से भेजना जाता है। और इसका लोकेशन आप देखोगे तो लाहौर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया से जो है टाइमिंग यहाँ पर जो है वो आधा घंटा पहले जो है वो होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पीछे, जैसा कराची में जो है बॉट आपको बैटिंग देखने को मिलेगा वैसा ही, लेकिन उसके कंपेयर में देखोगे बाउंड्री यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्मॉलर एरिया होता है, लेकिन उसके कंपेयर में आप देखोगे कराची के कंपेयर में तो थोड़ा सा जो है बड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखोगे कि बाउंड्री एरिया जो है थोड़ा सा स्मॉल होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा आसान होता है कि बाउंड्री जो है आप अच्छे से लगा सकते हो। लेकिन पिछले 1-2 सीजन जब मैचेज हुआ नहीं है तो थोड़ा सा जो है बैट्समैन को भी आइडिया जो है थोड़ा सा कमजोर कम होगा यहाँ पे कि किस तरह से जो है मैसेज हो सकता है, क्योंकि सारे जो है यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे खेला नहीं है। हाउएवर लाहौर का आप देखोगे तो ये जो है आपको होम ग्राउंड है, तो अगर लाहौर जो है यहाँ पर प्रैक्टिस किया है तो उसके हिसाब से जो आप देखोगे इस ग्राउंड को जो है थोड़ा सा बेनिफिट उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि शुरुआत से टीमें जो है वो कराची में सारी थी, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है किसी को मिलने वाला नहीं है, यानी कि एज ए नेचुरल वेन्यू जो है वो काम रहने वाला है। लेकिन ये ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर आइडियली जो है आप 180-170 तक जो है वो रन आराम से बना सकते हो। और मेनली आप देखोगे तो यहाँ पर टारगेट चेस भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर जो है ग्राउंड ओल्ड होता जाता है वैसा वैसा ही जो है बॉल सीधा विकेट पर आना जो विकेट बल्ले पर आना जो है शुरू हो जाता है, और जिसके चलते एक बैटिंग ग्राउंड में जो है वो कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है कि जल्दी से जो है बैटिंग ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही रीज़न होता है कि जब से आप सेकेंड बैट भी शुरू होता है, सेकेंड बैट में आप देखोगे कि वहाँ पर जो ज़्यादातर मैचेज होते हैं आपको ड्यू के कारण थोड़ा सा और ज़्यादा जो है आसान हो जाता है बैटिंग करना, और एक नॉर्मल सा जो है बैटिंग ग्राउंड जो है वो बिहेव करने लगता है और उसी तरह से जो है चलने लगता है। तो उस तरह का जो है ग्राउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें जो है आपको एक तरह से डिनोट करेंगे कि यहाँ पे जो है आप बैट्समैन को जो है वो फेवर करके चल सकते हो। अगर आप टीम बनाते हो तो खेलते हो तो जिसके पास बैट्समैन की कैपेबिलिटी जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगी तो वो जो है यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट जो है वो कर सकता है। और साथ में अगर अच्छे बॉलर्स जैसे कि लाहौर के पास जो है काफ़ी अच्छे बॉलर हैं तो उनमें भी जो है अगर शुरुआत के कुछ ओवर में जो है विकेट चटका लेते हैं तो कोई भी बॉलर जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस जो है हो सकता है। इस तरह का जो है ग्राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि जो पीचेस का बनावट है वो किस तरह से जो अभी कराया गया है, क्योंकि रिसेंट जो यहाँ पे मैचेज अभी कुछ हुए नहीं है, तो उस तरह से जो है आपको किसी को जो है उतना ज़्यादा आइडिया जो है लगेगा नहीं। 1-2 मैचेज जो है देखने पड़ेंगे और उसके बाद से पता चलेगा किस तरह से जो मैचेज है। लेकिन ज़्यादातर चांसेज यही रहेगा कि जो मैचेज होंगे वो बिल्कुल एसेस करेंगे कि एक तरह से जो है आपको बैटिंग पिच की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया जाए। जैसे हमने कराची में बताया था, कराची में कुछ मैचेज ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ये बैटिंग ग्राउंड तो कहीं से भी नहीं था, तो उस तरह का मैचेज आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो है किसी भी ग्राउंड पे 3 से 4 पीछे जो है होता है, और उन पीछे में से कौन सा पीछे जो है यूज हो रहा है
ये डिपेंड जो है वो आपको करता है। और कुछ पिचेज होंगे जो पे बैटिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, कुछ होंगे जहाँ पे शुरुआत में जो नमी है वो थोड़ा सा रहेगा और जिस नमी के कारण थोड़ा सा ग्राउंड जो है वो बॉलिंग में जो है बिहेव करता हुआ जाएगा। इसके बाद देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर तो लाहौर ने बनाया था 219 रन, लास्ट 13 मैचेज ही वहाँ पर हुआ है डोमेस्टिक मैचों का। और लोएस्ट भी देखोगे तो आपको क्वेटा बनाया है 90 रन। और इसके अलावा जैसे जैसे पिच जो है ओल्ड होता जाता है, जो प्रीवियस यहाँ पे मैचेज हुए उसके हिसाब से बैटिंग में जो कन्वर्ट होता जाता है, बैट्समैन को जो है फेवर करते जाता है। और इसके अलावा भी बात करते हैं तो यहाँ पे चेसिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफेबल होता है, एज ए कोई भी जो है यहाँ पर टीमें उतरती है तो थोड़ा सा चेस करना जो हो ज़्यादा पसंद करती है। इसके अलावा बात करते हैं T20 का स्टेट्स देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे टोटल 14 मैच में 7 जो है फर्स्ट मैच जीता है, 7 जो सेकंड मैच जीता है, यानी कि अगर इंटरनेशनल मैच में आप देखोगे तो दोनों का जो आंकड़ा जो है वो आपको सेम देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ चेस करे डिफेंड करे आंकड़ा जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। और इसके अलावा हम एक डोमेस्टिक मैचों की बात करते तो आप देखोगे टोटल 13 मैचेज जैसे हमने बताया अभी तक हुआ है, जिनमें से 5 जो है फर्स्ट मैच जीता है, 8 जो है सेकंड मैच जीता है। और फर्स्ट मैच एवरेज भी आप देखोगे तो 170 के आसपास है, और इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे आइडियली जो है आप 170-180 तक जो है वो आराम से रन टीमें जो है बना सकती है अगर थोड़ा सा संभल के जो है खेलती है तो यहाँ पर इतने रन जो है वो आराम से बनते हैं, क्योंकि ये एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड की तरफ जो है वो आपको इतना तो एवरेज जो है वो बनता ही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी जो है बैटिंग आप इंप्रूव कर दी है तो आपको स्कोर जो है 190 पार भी जो है वो दिखाई दे सकता है, और इस तरह का जो है ग्राउंड है। लेकिन थोड़ा सा अगर जो है वो बैटिंग अगर शुरुआत में डगमगा जाता है तो भी जो है 150 तक आराम से जो है वो स्कोर यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न का, तो आप देखोगे कि दोनों टीमों का अगर सारी टीमों की बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे कि 150 से नीचे 3 स्कोर बनाया अभी तक, 150 से 70 के बीच में 3 स्कोर बना है, और 170 से ऊपर और 90 के बीच में जो है 5 स्कोर बना है, जो कि मैंने बताया कि अब एवरेज स्कोरिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे 5 स्कोर है और 190 से ऊपर भी आप देखोगे तो 2 स्कोर आपको देखने को मिलेगा, और टोटल 13 मैचों का जो है वो डाटा है। जैसे जैसे यहाँ पे मैसेज होते जाएंगे 13 मैचेज यहाँ पे हुए हैं, और जैसे PSL समाप्त होगा टोटल 19 मैचेज जो है यहाँ पे अभी होने बाकी हैं, तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा जो है मैसेज आपको देखने मिलेगा। और फर्स्ट हाफ की अगर बात करते हैं तो आप देखोगे फर्स्ट हाफ में ज़्यादातर चांस रहेगा कि ज़्यादातर मैसेज जो है वो बैटिंग ग्राउंड की तरह जो है बिहेव करेगा, बैटिंग की तरह जो है बिहेव करेगा। और जैसे ही सेकेंड हाफ यहाँ पे शुरू हुआ तो जैसे कराची में सेकेंड हाफ हुआ था, कुछ मैचेज जो है वो बैटिंग की तरह रहेंगे, कुछ मैचेज जो है बॉलिंग की तरह रहेंगे, तो उस तरह से जो है बिहेव करने यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो होप सो कि आपको ये एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और इसके अलावा अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल फ्रेंड सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर जो आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप एक बढ़िया सा जो है प्रोफाइल बना के चल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।